तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट, अब इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि फेसबुक एड्स अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा हम ब्रीफ में इसके बारे में सीखेंगे आज। जब भी आपको फेसबुक पर ऐड चलाना होता है तो फेसबुक ऐड चलाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, दो चीज़ें रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती हैं हमें। सबसे पहला अपना एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए हमारे पास, फेसबुक का बिजनेस अकाउंट, और एक होना चाहिए एड्स अकाउंट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें हम ये सीखेंगे हम इनको क्रिएट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि इन चीज़ें दिखती कैसी हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने अपना एक ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ है, जो मैंने अपनी वेबसाइट लास्ट आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसी का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो शो हो जाता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आप क्या काम करते हो, आप किसी कस्टमर से या उसका बिजनेस अकाउंट के अंदर भी अपना एक्सेस ले सकते हो। जैसे आप एक जब एजेंसी आप क्रिएट करोगे, एजेंसी आप बनाओगे, तो वो चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यहाँ से आप अपना पार्टनर बेस सेलेक्ट कर सकते हो, किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पर आपकी पेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऐड अकाउंट जो हम सीखेंगे आगे वो किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और आप डाटा सोर्सेज जो हम पिक्सल ऐड करेंगे अपने फेसबुक पिक्सल हो गया, जो कन्वर्जन होते हैं वो कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे इसमें। और उसके बाद ब्रांड सेफ्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल, जब से ये कोविड के बाद से जो फेसबुक ने उसने एप्पल ने अपने एक अपडेट दिया है, तो उसके बाद से कुछ इम्पोर्टेंट्स हो चुका है। यहाँ पर हम डोमेन्स ऐड करेंगे अपने कुछ, यहाँ पर जिसमें आप मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरा एक डोमेन ऐड है, वेरीफाइड है, तो ये डोमेन बहुत कंपलसरी होता है ऐड करना, तो इसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे आने वाले टाइम में। इंटीग्रेशन, यहाँ पर पेमेंट, सब कुछ, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ चीज़ें हम आने वाले टाइम में सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़, अब दूसरी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है एड्स अकाउंट की। तो जैसे मैंने अपने एक एड्स अकाउंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जो हम सारी चीज़ें सीखेंगे वो हम इस पर सीखेंगे। ये मेरे एक, इस पर मैं काम नहीं करता हूँ, ये GPL थीम प्रो के नाम से ये एड अकाउंट बनाया था मैंने, मैं इस पर काम नहीं करता हूँ। इस पर हम अपना पूरा जो हमारा पूरा कोर्स है ये हम इसी एड अकाउंट पर सीखने वाले हैं। आगे जो हम ट्रैकिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे, जो भी मतलब जो भी चीज़ें हम वीडियो एड्स चलाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे वो हम इसी पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम और इसके बारे में बताते हैं। इसमें जब आप ऐड अकाउंट बना लेते हो अपना, ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, तो इन्हें आपने कन्फ्यूज मत हो जाना प्लीज़, थोड़ा सा डिटेल में रखना। फेसबुक एड्स चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ की। एक तो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, और एक होना चाहिए ऐड अकाउंट। ठीक है, अब फेसबुक का जो ऐड है, अब उसको चलाने के लिए, फेसबुक ऐड चलाने के लिए हमें ऐड अकाउंट के अंदर तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। वो आने वाले वीडियोस में ना आपने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब आप सीखोगे ना धीरे धीरे तो ये सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब कैसे काम करता है, मैं जैसे एक छोटा सा डिटेल में ओपन कर लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पर हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस। मान लिया आपका कोई ब्रांड है तो उसे आप लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना चाहते हो, जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हो, कोको कोला हो गया, थम्सअप हो गया, बहुत सारे ऐड्स आते हैं, तो अपने ब्रांड अवेयरनेस करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, टीवी के थ्रू। रीच, आप अपने ब्रांड्स को बहुत सारे लोगों के पास तक पहुँचाना चाहते हो, तो ये रीच का ऑप्शन यहाँ पर है। ट्रैफिक, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक, इंगेजमेंट, फेसबुक पेज लाइक, कैड रेस्पॉन्स, ये चीज़ें होती है। आपकी कोई मोबाइल ऐप है तो आप ऐप इंस्टॉल का यहाँ पर चला सकते हो। वीडियो व्यूज़, वीडियो का ऐड चला सकते हो। लीड जनरेशन कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। मैसेंजर ऐड होता है कि कोई भी कस्टमर डायरेक्ट आपको मैसेज कर सके, मैसेंजर पर आपको मैसेज कर सके आपकी बिजनेस की क्वेरीज लेकर, या कोई प्रोडक्ट खरीदो उससे लेकर। कन्वर्जन लेकर, कन्वर्जन मान लीजिए जैसे कोई परचेज की आपका प्रोडक्ट है, कोई परचेज करना है, आपकी जो वेबसाइट है उस पर परचेज का ऑप्शन है, तो ये कन्वर्जन चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में बताएंगे। कैटलॉग सेल, मान लिया आपके पास आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो उसके लिए कैटलॉग सेल, और स्टोर ट्रैफिक, मान लिया आपका ऑफलाइन स्टोर है तो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो मान लिया मैं सिंपल अभी ट्रैफिक पर क्लिक कर लेता हूँ, और अभी सिंपल ट्रैफिक एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा जो ये ऐड है वो तीन सेक्शन में डिपेंड करता है, तीन सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन
दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब जो पहला सेक्शन है इसमें हम सिंपल अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर हम अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम नाम फीड करेंगे अपना, जो भी आपको नाम देना है अपना एक्स वाई जेड। देन आप बाकी इसमें चीज़ें हम ज़्यादा चीज़ें हम इसमें नहीं करते, वो मैं आगे थोड़ा एडवांस लेवल है वो मैं आगे आगे आपको बताऊँगा इसमें। देन हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अब हमारा ये हेडसेट लेवल हमारा पहुँच चुका है। हेडसेट लेवल पर हम यहाँ पर बिडिंग लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बिडिंग लगाते हैं, ट्रैकिंग लगाते हैं, पिक्सल यूज़ करते हैं, हम बजट लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हम बजट पर डे कितना पैसा आप यहाँ पर देना चाहते हो, हम बजट यहाँ पर सेट करते हैं अपना। शेड्यूलिंग ऐड कब से कब तक चलाना है, इसको पर डे चलाना है या एक फिक्स डे तक चलाना है, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहीं की भी लोकेशन ऐड कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर आप कहीं पर भी ऐड चलाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ऐड चलाना चाहते हो, आपका पर्टिकुलर एरिया में है, तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो उसकी। आप एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने बताया ना आपको लास्ट वीडियो में कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एज आपको सेलेक्ट करनी है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिटेल टारगेटिंग किस कौन सी ऑडियंस आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपका जो प्रोडक्ट है, शॉप है या ई कॉमर्स स्टोर है, तो किस लैंग्वेज के लोग आपको प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या जो भी चीज़ें हैं, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट हो गया या फ्रेंड्स, यहाँ पर लिंक क्लिक्स हो गया, यहाँ एट्रीब्यूट सेटिंग होगी, यहाँ पर एको डिलीवरी। तो ये चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, बहुत सारी इसमें एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो वो सब धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स पूरे कोर्स में। बस आप बिल्कुल भी कोर्स को ना स्किप मत कीजिएगा, कोई सी वीडियो का पूरा डिटेल में देखिएगा। जब आप एनरोल किया है आपने, तो मैं आपको अपना पूरा 100 से भी ज़्यादा परसेंट देने की कोशिश करूँगा, अपना 100 से बहुत ज़्यादा पूरा टोटल यार फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्स, यहाँ पर पेज सेलेक्ट करते हो अपना इंस्टाग्राम पेज या जो भी चीज़ें आप पेज यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर आप देखिए सिंगल या वीडियो एड, क्राउजल एड या कलेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपनी एड मीडिया, यहाँ पर एड कॉपी और ये चीज़ें, इस तरीके से आपका ये पूरा एड काम करता है। देन आप यहाँ पर सिंपल पब्लिश कर देते हो। ये चीज़ें जो फ्रेंड्स हम आने वाली वीडियो में अब सीखने वाले हैं, तो कल हम कुछ और चीज़ें बनाएंगे, कल हम एड्स अकाउंट बनाएंगे अपना। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।